हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन वीटू के चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉर 4 के बारे में, कि वो कब निकलेगा, उसका ऑफिशियल टाइटल कब है और उसकी कास्टिंग के बारे में, जो आज सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बता दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर 4 का ऑफिशियल टाइटल है थॉर लव एंड थंडर और इसकी कास्टिंग में क्रिस हेम्सवर्थ, नैटली पोर्टमैन और थेसा थॉम्सन है। और इस मूवी के डायरेक्टर होंगे टाइका वाटिटी, जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक को डायरेक्ट किया था। एंड ये मूवी निकलेगी नवंबर 5, 2021। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि थॉर लव एंड थंडर में हमें क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि क्या वो मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बाद की कहानी को दिखाएगी या फिर जो चेंजेस हुए हैं टाइमलाइन में उसके बाद की। यानी कि 2014 का जब थानोस 2023 में जाकर मर जाता है आयरन मैन के स्नैप के वजह से, तब तो 2018 के बीच में जब थॉर रैग्नारॉक के इंसिडेंट्स हुए और थॉर अपनी शिप के साथ अर्थ की ओर बढ़ रहा था, तो वहां उसे रोकने वाला उस टाइमलाइन में कोई भी नहीं रहता है। तो क्या टाइका वाटिटी उस टाइमलाइन में जाकर उस मूवी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्हें थॉर को अर्थ पे दिखाना होगा ताकि नैटली पोर्टमैन जैसे बड़े कैरेक्टर को दिखाया जाए, और जब कास्ट में इतने बड़े कैरेक्टर को रखा गया है तो उनका नाम कैमियो के लिए तो होने से रहा। तो ये मूवी कहीं ना कहीं अर्थ लेवल पे होगी। प्लस थेसा थॉम्सन का भी नाम लिया गया है, जो कि वैल्करी का रोल निभाती है और वो फिलहाल अर्थ पे क्वीन है एस्गार्ड वासियों के लिए। वैसे टाइका वाटिटी अगर इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं जिसमें थानोस पहले ही मर चुका है, तो उन्हें थॉर रैग्नारॉक के बाद कोई कन्फर्ट करने वाला रहेगा नहीं, तो उसके वजह से वहां पर लोकी भी जिंदा रह जाएगा। प्लस जब ये लोग अर्थ पहुंचेंगे तब थॉर फिट रहेगा, ना कि फैट, जैसा हम लोगों ने एवेंजर्स एंडगेम में देखा था, क्योंकि उसके पास उस वक्त गम मनाने के लिए कोई वजह रहेगी नहीं। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा वियर्ड होगी, वो ये होगी कि वाल्किरी बायसेक्सुअल कैरेक्टर है एमसीयू के अंदर, और ऐसे में नैटली पोर्टमैन और उन दोनों को एक साथ दिखा देना थोड़ा वियर्ड होगा, क्योंकि थॉर की लव इंटरेस्ट रह चुकी थी नैटली पोर्टमैन, और थॉर लव एंड थंडर में अगर वाल्किरी और नैटली पोर्टमैन यानी कि जेन फॉस्टर के बीच में कुछ लव वव दिखाया जाए तो बहुत ही ऑड लगेगा। अगली पॉसिबिलिटी जो कि होने के चांसेस हैं, वो ये हो सकता है कि हमें जेन फॉस्टर को एज अ थॉर दिखाया जाए, जैसा कि हमें कॉमिक्स में दिखाया गया था। अब क्योंकि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 3 की रिलीज डेट नहीं दी गई है, सबको यही एक्सपेक्टुलेट कर रहे हैं कि जो सबसे पहली वाली पॉसिबिलिटी है वही होगा, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में थॉर एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी यानी कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस में चला गया था, तो उसके बाद से ये सब दिखाना थोड़ा ऑड लग सकता है। ऐसे में थॉर 4 का जो विलन होगा उसे दिखाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि वो अर्थ का होगा या फिर इंटरडायमेंशनल कोई एंटिटी या फिर क्रिएचर होगा, और ऐसे में अगर वो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ रहता है तो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी भी उन्हें सपोर्ट दे सकता है। तो अगर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी उन्हें सपोर्ट देती है तो ऐसे में वो थॉर की सोलो मूवी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो एक कॉम्बो मूवी बन जाएगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आयरन मैन को फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गया, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इफ सीरीज में ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी कार्टून कैरेक्टर को हमें वहां पर दिखाया जाएगा उन एवेंजर्स अवतार में, उन्हें वॉइस उनके रियल कैरेक्टर्स ही देंगे। और तो और कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं, प्लस आरडीजे ने खुद इंटरेस्ट दिखाया था रीरी विलियम्स और आयरन लैड जैसे कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाने के लिए, तो एज अ मेंटर या फिर एज अ होलोग्राफ वो हमें वहां पर दिखाए जा सकते हैं। तो मैंने जो वहां पर थ्योरी दी थी कि किस तरह आयरन मैन को लेजिट वे में वापस लाया जा सकता है, उसके सही होने के चांसेस कुछ तो हैं। मैं हर एक कमेंट में ये चीज़ टाइप नहीं कर सकता था, इसलिए इसे इस वीडियो में ऐड कर दिया। तो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे का तो आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगा कर आगे बढ़ते रहें। एंड इफ पॉसिबल सेव वन।